जी हाँ, ब्लैक गोल्ड में ट्रेड करने वाली कंपनी यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी निकल के आई है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने इसके साथ हाथ मिलाया है। दोनों एक दूसरे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा पहले भी कर चुके हैं एंड आगे भी यहाँ पे करने वाले। तो लेटेस्ट डिस्कशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इन सभी चीज़ों की। सबसे पहले अभी हम चलते हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको, जो आपने यहाँ पे पहले भी सुनी होगी, कई समय से, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रिलायंस के साथ चर्चा में रही है, वो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी निकल के आई है। कई सारे देश इसमें समा जाएंगे, इतनी बड़ी इसकी यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है। यदि हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो सऊदी अरामको की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2.63 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट की कैपिटलाइजेशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसी के साथ जो सेकेंड नंबर की कंपनी है यहाँ पे एप्पल है, उसके साथ यहाँ पे इसकी फाइट चलती रहती है। कभी एप्पल ऊपर हो जाती है तो कभी सऊदी अरामको। बट एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ सऊदी अरामको सबसे बड़ी कंपनी, तेल निर्माता कंपनी बन के निकल के आई है, जिसमें यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में भी ये निवेश करने वाली, ऐसी कुछ चर्चाएं कुछ समय से यहाँ पे चलती रहती है। उसी समय बात करें तो यहाँ पे तेल कंपनी तो है ही, उसके साथ पूर्ण रूप से सऊदी अरब के नियंत्रण वाली ये कंपनी 1933 में तो स्टार्ट हुई थी। साथ में जब ये स्टार्ट हुई थी इसमें अमेरिका की भी हिस्सेदारी थी। एक बात आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे सऊदी अरब की गवर्नमेंट कंपनी होने वाली है, गवर्नमेंट के पास इससे इसकी यहाँ पे हिस्सेदारी है। सऊदी अरामको का पूरा नाम अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी था, लेकिन यहाँ पे 2080 में सऊदी सरकार ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली और इसका नाम बदलकर सऊदी अरामको कर दिया था। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है एंड पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। भले ही यहाँ पे कई सारी अक्षय ऊर्जा, ग्रीन पावर के बारे में बात जरूर चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे कई एनालिसिस में ऐसा बताया गया है कि बिना तेल के, बिना ऑयल के हम जीवन की संभावना नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑयल एक नेसेसरी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं थिंग्स रहने वाली, एक बहुत नेसेसरी यहाँ पे थिंग्स रहने वाली, जिसका कारण है यहाँ पे कि अक्षय ऊर्जा एंड जो भी ग्रीन एनर्जीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट से ओनली हम पूरी एनर्जी यहाँ पे नहीं कर सकते, पूरी एनर्जी को हम यहाँ पे इक्वल नहीं कर सकते जो यहाँ पे कंजम्पशन है, एंड वो यहाँ पे उतनी, यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी तरह इस कंपनी का आने वाले समय में एक अच्छा ग्राफ दिख रहा है। तो इसी के साथ यदि बात करें वैश्विक तेल बाजार में अरामको का, यदि देखें तो एप्पल जैसी टेक कंपनियों से यदि इसका हम वैल्यूएशन करें या इसकी कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एप्पल जो कंपनी है वो यहाँ पे अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है एंड उसका जो शेयर का प्राइस है वो आने वाली फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए चलता है। लेकिन उसी के साथ जो अरामको की बात करें, ये ऑयल में ट्रेड करती है, इसका पहले से सब कुछ निर्धारित होता है क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती है। नेचुरल रिसोर्सेज ये तरह से ऑयल तो ऐसी कुछ कंपनी है। तो ये जो इस समय सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी निकल के आई है, ये कहीं ना कहीं इसकी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री में हो जाना भारतीय शेयर मार्केट के लिए एक अच्छे पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से देखा जा रहा है। उसी के साथ यदि बात करें तो 2019 में सऊदी अरामको अपना आईपीओ लेके आई थी, अपना उसी देश में, अपने देश में आईपीओ लेकर आई थी, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसी वजह को समझाते हुए अपने जो एनालिस्ट हैं नरेंद्र तनेजा जी, वो कहते हैं तेल को काला सोना बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड इसको बोला जाता है, और ये माना जा रहा है कि अगले 20 से 30 साल तक तेल की कीमतों की जरूरत एंड तेल की कीमतों और उसकी ज़रूरतों को कम होने वाली नहीं है, बल्कि ये बढ़ने ही वाली है। ऐसे में सऊदी अरामको जैसी बड़ी कंपनी के शेयर बेचती है तो खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि इसका मार्केट में आईपीओ लिस्ट हुआ था एंड देन फिर उसके बाद इसमें ट्रेड भी हो रहा है। उसी के साथ यदि बात करें तो सऊदी अरामको दुनिया की तो सबसे बड़ी तेल कंपनी है ही है, साथ साथ बाजार पूंजी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसको लेके, तेल की कीमतों को लेकर क्या संकेत मिलते हैं? यदि ये कंपनी तेल का ऊपर करती है रेट, तो पूरी जितनी भी कंपनियां, पूरे विश्व की कंपनियां, वो सभी ऊपर करती है। इसी के हिसाब से सभी का यहाँ पे कैलकुलेशन, ऑयल का कैलकुलेशन चलता है। नरेंद्र तनेजा जी यहाँ पे बोलते हैं ये मूल्यांकन इस बात को दर्शा रहा है कि अभी आने वाले समय में तेल की अहमियत लंबे समय तक रहने वाली है। दूसरा संकेत ये भी है, भले ही पर्यावरण और अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, लेकिन दुनिया की ज़रूरतें, जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, वो तेल से पूरी होने वाली हैं। यही वजह है कि तेल में, ऑयल में भरोसा
साथ बढ़ रहा है। अरामको की बात करें तो अरामको का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ एक संकेत ये भी है कि निवेशक भी इस मूल्यांकन को अधिक अहमियत दे रहे हैं, जिससे वो छू सकते हैं, ना कि उस मूल्यांकन को जो कल्पना पर आधारित हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं उनका जो मूल्यांकन होता है वो यहाँ पे कल्पना पे आधारित होता है कि आगे की फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे 5G के शेयर हैं तो उसमें उनका यहाँ पे जो होता है मतलब कल्पना पे आधारित होता है, क्योंकि आगे जब 5G आएगा फिर उस तरह से ग्रोथ होगी, इतने कस्टमर इसके साथ यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जिससे इतना रेवेन्यू आएगा, तो वो बहुत सारी कल्पनाएं रहती हैं इन सब कैलकुलेशन करने में। लेकिन जो कुछ ऐसी कंपनीज रहती हैं जिनका मार्केट पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर चलता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑयल की कंपनी तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सभी जो कंपनी, ये सभी जो वस्तुएं हैं जिनमें ट्रेड होती है, ये सभी कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका वैल्यूएशन कर पाना उतना आसान होता है जितना और कहीं पर हम भरोसा नहीं दिखा सकते, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर भरोसा ज़्यादा रहता है। सऊदी अरामको का मूल्यांकन उसकी ब्रांड वैल्यू पर भी आधारित नहीं है, बल्कि वो सीधे सीधे इस बात पर आधारित है कि उसके पास कितना ब्लैक गोल्ड है। ब्लैक गोल्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऑयल है, पेट्रोल डीजल यही। इसी वजह है कि परंपरागत निवेशक जो हैं वो इस कंपनी में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड जहाँ वो अपने निवेश को सुरक्षित देख पाएँ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी वो देखते हैं एंड निवेश में खतरा भी कम हो, तो ऐसी बहुत सारे जो निवेशक हैं वो इन कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिसके कारण ये कंपनियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में यदि देखें तो सऊदी अरामको तेल कंपनी बाजार में पूंजी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देशों में, यदि रूस की अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो रूस की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है ये केवल एक कंपनी। यदि बात करें रूस की अर्थव्यवस्था की तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर की पूरी रूस की अर्थव्यवस्था है, जबकि अरामको का केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.463 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप समझ पा रहे होंगे अरामको कितनी बड़ी कंपनी है, एंड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कह के मैंने तो वो आपको यहाँ पर बता ही दिया। उसके साथ साथ यदि रिलायंस की भी हम बात करें तो रिलायंस में सऊदी अरामको की हिस्सेदारी हो सकती है आने वाले समय में। पहले भी सऊदी अरामको ने अपनी हिस्सेदारी करना चाही थी, लेकिन क्या हुआ था, कुछ यहाँ पे कारणों की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से यहाँ पे नहीं हो पाया था, लेकिन आने वाले समय में सऊदी अरामको अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बनाते दिखेंगे आपको। तनेजा अरामको के सबसे बड़ी कंपनी बनने का एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए कहते हैं कि दुनिया की 1100 साल पुरानी कंपनी है, कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो 5-6 साल पुरानी हैं, अगर हम उन कंपनियों का इतिहास उठाकर देखें तो समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी घटना है कि एक कंपनी का मार्केट कैप दुनिया के 80% से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था से अलग हो जाता है। यदि आप 80% देश देखें तो उन सब की यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ ली जाए उतनी यहाँ पे सऊदी अरामको की निकल के आती है। सऊदी अरामको के आगे बढ़ने के पीछे और सबसे बड़ा कारण तेल और गैस की बढ़ती कीमतें हैं। इसके अलावा यदि विशेषज्ञ कंपनी की संस्कृति को भी इसकी एक वजह मानते हैं। अरामको अमेरिका हिस्सेदारी से बनी थी, लेकिन भले ही आज के दिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने इसका पूरा हिस्सा खरीद लिया है, तो अभी तो गवर्नमेंट स्थायित्व वाली कंपनी सऊदी अरामको पूरी तरह से बन चुकी है। बहुत सारे जो दुनिया के यहाँ पे निवेशक हैं उनका इस कंपनी में बहुत अच्छा भरोसा है, एंड उसके साथ साथ यदि बोलें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको रिलायंस में भी देते हुए जाएगी, क्योंकि यदि इसका यहाँ पे निवेश इंडिया में आता है, रिलायंस में निवेश आता है, तो कहीं ना कहीं वो रिलायंस के लिए पॉजिटिव होगा एंड अपने पूरे इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। इस तरह की न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक और चीज यहां पे देखें तो काफी पुरानी कंपनी है, यदि आपने एक चीज को गौर किया होगा 1100 साल पुरानी कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों में भी मतलब आप लोगों का जो भरोसा है वो थोड़ी ज्यादा रहना चाहिए, ज्यादा पुरानी कंपनियों में भरोसा ज्यादा रहना चाहिए। इंडियन मार्केट की बात करें तो रिलायंस भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में सबसे बड़ा है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, इसी के साथ साथ एशिया की भी सबसे बड़ी कंपनी होने का दावा भी रखती है। उसी के साथ यदि इसका देखें तो काफी लंबे समय से इसका भी मतलब यहाँ पे बोले तो 1980 से पहले का इनका भी यहाँ पे व्यापार में दबदबा है, तो आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री का हाथ मिलाना सऊदी अरामको के साथ जरूर एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। आने वाले समय में रिलायंस के लिए पॉजिटिविटी की तरह देखा जाएगा एंड पूरे इंडियन मार्केट में भी ये पॉजिटिविटी के तरह देखा जाएगा। बकाया आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।